स्टडी आईक्यू चैनल पे आपका स्वागत है। ये हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज का लेक्चर नंबर 21 है और ये हमारा वर्ल्ड मैप की सीरीज का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद से हम इंडिया की मैपिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशन करंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसा कि मैंने माउंटेन्स और डेजर्ट्स और प्लेट्यूज में भी करा है। डिटेल में स्टडी करने का हमारा बेनिफिट क्या है कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सिर्फ अगर मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कूल करंट है और वो कहाँ से फ्लो हो रही है, तो वो बहुत ही ज्यादा हाफ इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट वो पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी ही नहीं। तो ये जानने के लिए कि कौन सी करंट क्यों वार्म करंट है और वो क्यों कूल करंट नहीं है और वो वही स्पेसिफिक लोकेशन से क्यों निकल रही है, हमें पूरी स्टडी करनी होगी। जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स होते क्या है। डिटेल में हम देखेंगे कि कितने तरीके किस तरीके से जो ओशन का वाटर है वो मूव करता है। फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें रहते हैं और कितने टाइप्स की ओशन करंट होती है, एंड देन ओशन करंट का सर्कुलेशन पैटर्न क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे मैप में कि जो ओशन करंट से जो वार्म एंड कूल करंट्स हैं वो ग्लोबली किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, कि इन ओशन करंट्स का लोकल वेदर और ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर जिस तरीके से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जिस तरीके से जो एटमोस्फेरिक और ओशन सर्कुलेशन है वो चेंज हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट लोकल वेदर और ग्लोबल क्लाइमेट पे जानना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एज आई से इन स्टार्ट ऑफ एवरी लेक्चर, आई होप आप लोग अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठे होंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप उसको ठीक से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इवन दो वी हैव आल्सो अपलोडेड अवर पीपीटीज, लेकिन खुद के हाथ से बने हुए नोट जो होते हैं उनसे हम बहुत इजीली और जल्दी रिवाइज कर सकते हो। तो चलो पहले देखते हैं कि ओशन करंट, ओशन वाटर जो होता है वो किस तरीके से मूवमेंट करता है। ओशन वाटर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ओशन वाटर मतलब समुद्र का पानी जो है वो तीन तरीके से मूव कर सकता है, एज अ वेव, एज अ टाइड और ओशन करंट। इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से मूव होता है। जो ओशन का जो वाटर है ये जो मूव होता है इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये किसी कुछ फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि वाटर का टेम्परेचर कैसा है, सैलिनिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, तो ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे ओशन वाटर मूवमेंट इन्फ्लुएंस होता है। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो मोस्टली टाइड्स पे वर्क करता है, एंड देन विंड्स आल्सो, जिस डायरेक्शन में विंड्स फ्लो होती है जो पानी होता है वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं वेव्स क्या होती हैं। वेव्स कुछ भी नहीं होती बट एक ऑक्सीलेटरी मूवमेंट होता है जो पानी, जो ओशन का वाटर होता है उसको राइज एंड फॉल देता है। वेव्स अगर आप देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है ये एनर्जी जाती है, ये दिस इज द एनर्जी विच इज मूविंग इस डायरेक्शन में, विंड की डायरेक्शन में। जो ओशन का वाटर होता है वो तो यहीं से इसमें पूरा सर्कुलेट होता रहता है, पानी सर्कुलेशन में चलता है, लेकिन ये वेव्स जो है एनर्जी की वजह से इस तरीके से साइनोसॉइडल में होती हुई दिखाई देती है। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, वर्टिकल मूवमेंट होता है जो, जैसे अगर ये पूरा सी का सरफेस है, वर्टिकल मूवमेंट इज लाइक अप एंड डाउन मूवमेंट, बिल्कुल यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है, जो सी की सरफेस पे होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली एनर्जी होता है, जो पानी होता है वो तो उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलेशन में घूमता रहता है। वेव के दो मेजर पार्ट होते हैं, क्रस्ट और थ्रो के। जो ऊपर वाला जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है, रेस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो लो पॉइंट होता है जो नीचे होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं थ्रो। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई है आपकी। एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि जितना पानी डीप होता है, जितना ओशन डीप है उतनी ही ज्यादा बड़ी वेव्स होंगी, लार्ज वेव्स होंगी। किसमें? वेवलेंथ जो होगा उसका उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन जैसे 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 अगर यहाँ पे जैसे डीप सी है, तो डीप सी में जो इसकी वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी, लेमडा बनाया है मैंने यहाँ पे, जो ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ओशन का जो ये वाटर है शोर के पास आएगा,
तो शोर के पास ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, और इनका जो है वेवलेंथ, इसका इसकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है मतलब ये कितनी हाइट तक जा रही है वो बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो, मैं आपको समझाऊं, तो अगर हम डीप ओशन में देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगी कि वेव्स हैं क्या, क्योंकि उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है लेकिन जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही ये शोर के पास पहुंचना स्टार्ट होती है, इनका वेवलेंथ कम हो जाता है और एम्पलीट्यूड मतलब हाइट जो है इनकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से शोर पे हमें ज्यादा वेव्स दिखाई देती हैं। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। टाइड्स की अगर बात करें तो टाइड्स क्या है, ये पीरियोडिक है। पहला सबसे पहला वर्ड ही हमारा है कि पीरियोडिक राइज एंड फॉल है, सी लेवल में वर्टिकल मूवमेंट की वजह से होता है। वेव्स क्या था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स की वजह से। एंड टाइड्स क्या है, वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल जो राइज एंड फॉल होता है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल। और होता किसकी वजह से है, ये सन और मून की वजह से। सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पानी में राइज एंड फॉल होता है वो टाइड्स होते हैं। इनका जो इंटरवल होता है दो हाई टाइड या दो लो टाइड का, वो होता है 12 घंटे और 25 मिनट का। ये आपको ध्यान रखना है, 12 घंटे 25 मिनट का किन्हीं भी दो हाई या दो टाइड्स, दो लो टाइड्स के बीच में लो होता है। अभी आपको हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो इसे ऐसे देखो कि अगर एक 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 बीकर में हमारा पानी है, इसमें पूरा लेवल्ड पानी है, लेकिन हमने इस बीकर को टिल्ट कर दिया है, हम कलर चेंज करते हैं। अगर हमने इस बीकर को हमने टिल्ट कर दिया है, ठीक है, तो ऐसे समझो, तो क्या होगा, एक जगह पे पानी ऊपर हो जाएगा, अगर यहाँ पे पानी ऊपर होगा तो यहाँ पे पानी नीचे हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से टाइड्स में होता है कि अगर एक डायरेक्शन में, एक साइड में हाई टाइड बन रही है, अगर एक साइड में पानी ऊपर उठा है तो दूसरी साइड में लो टाइड बनेगी, ठीक है। तो ये होता है हाई टाइड एंड लो टाइड। और दूसरा एक होता है कि जो हाईएस्ट टाइड है वर्ल्ड की, वो बे ऑफ फुंडी, कनाडा के पास बे ऑफ फुंडी नाम की एक जगह है, बे ऑफ फुंडी पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड बनती है। हाईएस्ट टाइड मतलब सबसे ऊंची टाइड्स बनती है, और यहाँ पे एक्चुअली ये टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इन टाइड्स को देखने के लिए भी जाते हैं। तो इससे एग्जाम्पल्स, इस डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये सन और मून है और अर्थ है, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो पानी है ये अट्रैक्ट होता है और ये हाई टाइड बनता है। ये जो है ये है हाई टाइड का एरिया। अभी इसमें आप सन और मून का डायरेक्शन देखिए, अगर सन और मून दोनों एक ही लाइन में, एक ही लाइन में अलाइन है, तो ये जो हाई टाइड है ये हाई होती है। ये हाई क्यों होगी, क्योंकि दोनों दो जो दो मेजर बॉडीज हैं, जो दो हमारी सन और मून है, इनका एक साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। दिस इज द कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर यहाँ पे हाई टाइड बनी है तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो टाइड बनेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर सन और मून एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है, एक दूसरे के अलाइन नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो हाई टाइड बन रही है इसका जो है हाइट कंपैरेटिवली कम होगा। दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाला जो है ये ज्यादा हाई टाइड है और ये थोड़ी कम हाई टाइड है। और रीजन आप देख सकते हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सेपरेट हो गया है, पहले एक ही डायरेक्शन में लग रहा था दोनों। तो ये हमारा टाइड्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं ओशन करंट पे। ओशन करंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ओशन करंट बोलते किसे हैं। ओशन करंट जो है एक कंटिन्यूअसली डायरेक्टेड मूवमेंट है, कंटिन्यूअसली फ्लो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और ये जनरेट काफी नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से ये जो है पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है। इसे एक्चुअली रिवर फ्लोइंग इन ओशन भी बोलते हैं। इसे ऐसा मानते हैं कि अगर जैसे ओशन है तो उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक जो पानी है वो बिल्कुल नदी की तरह बहता रहता है। अगर आप कभी देखेंगे तो आप गूगल पे किसी दिन ट्राई करके देखना, लाइव ओशन करंट्स, आप गूगल पे टाइप करना लाइव ओशन करंट्स व्यू, तो आपको एक ग्लोब का मैप दिखेगा, उसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो ओशन करंट्स हैं वो मूव हो रही हैं। बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे एरोज के साथ आपको वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होती दिखेगी, तो वो आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे कोई नदी ही फ्लो हो रही है, और ये एक डायरेक्शन में होती है। और डायरेक्शन इसका जो है वो किसके थ्रू डिसाइड होता है, एक तो कौन सी लोकेशन है, लोकेशन की वजह से कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या सदर्न हेमिस्फेयर में, और अर्थ की रोटेशन की वजह से। इन दो वजह से जो ओशन करंट है उनका
जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो डिसाइड होता है। अभी इसमें तीन टर्मिनोलॉजीज आती हैं, एक तो होता है गायर, एक होता है ड्रिफ्ट और एक होता है स्ट्रीम। सबसे पहले गायर पढ़ते हैं। गायर जो होता है, इट इज एनी लार्ज सिस्टम ऑफ रोटेटिंग ओशन करंट्स। अगर बड़े बड़े एरिया से देखें, हम फिर से पेन का कलर चेंज करते हैं, ये कंफर्टेबल रहेगा। तो जो गायर होता है, ये क्या होता है, पूरे ओशन के अंदर एक बड़ा जो सर्कुलेशन दिखता है ओशन करंट्स का, उसको बोलते हैं गायर, गायर सिस्टम, पूरा बड़ा जो सर्कुलेशन होता है। ड्रिफ्ट क्या होता है, जब जैसे हमने नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पढ़ा होगा, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इसमें जो ओशन का पानी होता है ये विंड की डायरेक्शन के अंडर जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसे बोलते हैं जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का अगर हम अभी आगे डायग्राम में दिखाएंगे हम आपको, उसमें नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये गल्फ स्ट्रीम का पार्ट है, गल्फ स्ट्रीम का पार्ट है, और आगे चलकर ये विंड के इन्फ्लुएंस में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती है जो वेस्टर्न यूरोप में मॉइस्चर विडन विंड्स भी लेके जाती है। और स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम होती है व्हेन लार्ज मास ऑफ द ओशन वाटर मूव इन अ डेफिनेट पाथ। जैसे कि जैसे गायर का जो एक आर्म अगर माने, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रीम है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो बिल्कुल नदी की तरह पानी बह रहा है ओशन वाटर के अंदर, उसे बोलते हैं स्ट्रीम। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। हम टाइप ऑफ ओशन करंट की बात करते हैं कि ओशन करंट कितने टाइप का होता है। ओशन बहुत बड़ा होता है, इट्स लाइक किलोमीटर्स बिलो, बिल्कुल अथाह समुद्र जिसे हम बोलते हैं। तो सारा का सारा पानी तो एक साथ मूव करेगा नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, इतना बड़ा कोई फोर्स भी नहीं होता है। तो होता क्या है कि जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर का सरफेस वाटर लेयर, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर तक, सिर्फ 400 मीटर तक मानते हैं, दिस इज 400 मीटर, वो जो पानी है ये ज्यादा फास्ट मूव करता है। क्यों फास्ट मूव करता है, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, तो अगर यहाँ पे विंड तेज चल रही है तो ये पानी ज्यादा तेजी से मूव करता है। इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसकी डेंसिटी, इसकी सैलिनिटी भी बहुत जल्दी इम्पैक्ट हो जाती है बाहर का वातावरण कैसा है उससे। लेकिन जो पानी डीप सरफेस में है, जो हमारा डीप करंट है, डीप वाटर है, ये डीप वाटर क्योंकि ऊपर वाली लेयर से प्रोटेक्टेड है, तो ये नीचे वाला जो डीप वाटर है ये इतना जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये कोल्ड वाटर होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, और इसकी जो सैलिनिटी होती है वो भी हाई होती है, और ये बहुत स्लो मूव करता है, इट मूव्स वेरी स्लोली। ऊपर का सरफेस वाटर तो हमें लगता है नदी की तरह फटाफट से बह रहा है, लेकिन जो नीचे का डीप वाटर है, जो बिल्कुल सी फ्लोर के पास बहता है, उसका वेलोसिटी बहुत ही कम होता है, और वो 90% ऑफ द ओशन को कवर करता है। ऊपर तो सिर्फ हमने क्या देखा 400 मीटर, लेकिन जो नीचे पूरा बचा हुआ है पानी बिलो 400 मीटर टू मेनी मेनी किलोमीटर्स, वो 90% ऑफ द ओशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये जो है बहुत ही स्लोली इसमें अपवेलिंग और डाउनवेलिंग होती है, वो कैसे होती है हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अच्छा, ये देखो, ऊपर वाला जो दिख रहा है 400 मीटर वाला, ये है हमारा सरफेस का सर्कुलेशन, और जो नीचे है ये होता है हमारा डीप सर्कुलेशन। ये डीप सर्कुलेशन यहाँ पे देखो, ये हो रही है डाउन वेलिंग, और जब ये डीप सर्कुलेशन का पानी ऊपर आता है तो इसे बोलते हैं अप वेलिंग। ये इस तरीके से दो मेजर टाइप ऑफ ओशन करंट होती है। वैसे टाइप ऑफ ओशन करंट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी कही जाती है, जैसे कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कि वार्म एंड कोल्ड करंट्स भी होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं ओशन करंट को डिवाइड करने के। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल की अगर हम बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है प्लेनेटरी विंड। प्लेनेटरी विंड को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। प्लेनेटरी विंड कैसे है कि अगर विंड की डायरेक्शन जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है या फिर अगर हम वेस्टर्लीज की बात करते हैं, तो विंड जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में ओशन का पानी जाएगा। ये चीज आप इजीली समझ सकते हो कि पानी जो नदी की डायरेक्शन है वो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर हम बारिश में भी कहीं पे देखते हैं या फिर हम रिवर में भी कहीं पे देखते हैं,
तो अगर विंड इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे इस अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्स दिखेंगे, हालांकि वो तो मोस्टली स्लोप की वजह से बह रही है। लेकिन अगर स्लोप नहीं होता है, अगर सिंपल आपने एक बीकर में पानी लिया और आपने यहाँ पे कोई एयर ड्रायर से इसको ब्लो करा, तो अगर आप यहाँ से इसको ब्लो करते हैं तो ये पानी है इस डायरेक्शन में वेव्स बनाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से एयर ब्लो करते हैं तो ये आपको इस डायरेक्शन में पानी बहता हुआ दिखेगा। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से प्लेनेटरी विंड जो है वो ओशन करंट्स की डायरेक्शन भी डिसाइड करती है। उसके बाद में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है कि जो ऊपर वाला पानी होता है, टेम्परेचर बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होता है। मैं आपको सिंपल बता रही हूँ एक कि जो ओशन का नीचे का सरफेस होता है, जो हमारी डीप ओशन करंट्स होती हैं, ये कंपैरेटिवली बहुत कोल्ड होती हैं। दीज आर वेरी कोल्ड करंट्स, बहुत ज्यादा कोल्ड करंट होती है। दो इसके दो रीजन है, एक तो यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचता है, सिर्फ ऊपर की सरफेस लेयर पे सनलाइट पहुंचता है, और दूसरा ये काफी नीचे होता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो है इसका थोड़ा लोअर हो जाता है, तो ये कोल्ड करंट होती है। सरफेस की जो करंट होती है वो काफी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन से टेम्परेट में है, या ट्रॉपिकल रीजन में है या सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे सब सरफेस लेयर का जो है वो टेम्परेचर डिसाइड होता है। जैसे इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन से जो करंट ओरिजिनेट होती है वो वार्म करंट होती है, वेरेज अगर कोई आर्कटिक या अंटार्कटिक सर्कल से करंट आ रही है तो वो कोल्ड करंट होती है। सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो सैलिनिटी क्या होती है कि इसके अंदर लवणीय क्षमता कितनी है, जिसे हम ppm के अंदर मेजर करते हैं, पार्ट पर मिलियन के अंदर इसमें कितने, इसका सैलिनिटी कितना होगा। तो सैलिनिटी जो है वो वाटर के सरफेस के पास में ज्यादा होती है, कम होती है कंपैरेटिवली, जो ऊपर का सरफेस है वहां पे लोअर सैलिनिटी होती है, लेकिन वेयर इज जो डीप वाटर होता है वहां पे हायर सैलिनिटी होता है। इसका रीजन क्या है, देखो लोअर सैलिनिटी क्यों होगा, एक तो यहाँ पे आइस मेल्ट होके जा रही है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आप समझना भी से, आइस के मेल्ट होने से जो सीधा पानी आ रहा है फ्रेश वाटर वो क्या होगा, सरफेस में मिक्स होगा। दूसरा यहाँ पे बारिश होती है तो रेनफॉल का भी वाटर है तो वो किधर जाएगा, सीधा ऊपर सरफेस पे। तीसरा यहाँ पे रिवर्स ड्रेन होती है, रिवर्स भी सीधी ऊपर सरफेस वाटर में ही ड्रेन होती है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो सरफेस का ओशन वाटर है उसका सैलिनिटी लोअर होता है, वेरेस जो डीप में अगर चले जाते हैं तो वो हायर सैलिनिटी का हो जाता है। उसी तरीके से चौथा फैक्टर है हमारा कोरोलियस फोर्स का। कोरोलियस फोर्स क्या होता है हम देखते हैं, और पांचवा है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम लैंड। ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम लैंड के लिए आपको परफेक्ट एग्जाम्पल मिलेगा कि किस तरीके से हमारा जो सेंट्रल अमेरिका का ओरिजिन हुआ था, हमने स्ट्रेट वाले के अंदर ये पढ़ा है अच्छे से, स्ट्रेट वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इस्थमस ऑफ पनामा जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि पनामा का ओरिजिन कैसे हुआ। द फॉर्मेशन ऑफ पनामा में मैंने आपको बताया था कि पहले पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जो है उनका पानी इजिली मिक्स हो जाता था, लेकिन जब वहां पे सेंट्रल अमेरिका का जो आइलैंड है वो अपलिफ्ट हो गया तो टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से, तो पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन मिक्स नहीं हो पाए, और जो इक्वेटोरियल करंट यहाँ से आ रहा था उसने गल्फ ऑफ मैक्सिको से यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम ले लिया और वो आगे नॉर्थ अटलांटिक करंट में बन गया। तो ये होता है कि किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम लैंड, अगर यहाँ पे बिल्कुल जमीन का टुकड़ा आ जाएगा तो इसको डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैंड भी एक मेजर फैक्टर होता है, ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करता है। अभी हमारा ये बचा कि कोरोलियस फोर्स से हम क्या समझते हैं। कोरोलियस फोर्स है, इट्स अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन एनी मटीरियल थ्रोन वाई ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन की वजह से जो भी चीज अगर हम कोई फेंकते हैं किसी डायरेक्शन में तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से कोई एक बॉल है, अगर आप यहाँ से यहाँ पे फेंक रहे हैं तो ये सीधा नहीं जाएगा क्योंकि अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये जो बॉल है ये इस तरफ टिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस फोर्स में अगर हम नदन हेमिस्फेयर है, नदन हेमिस्फेयर में राइट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मुड़ जाता है, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाता है इस तरीके से।
तो ये होता है कोरोलिस फोर्स। ये यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए स्लाइड डाली है कि अगर यहाँ से इसको सीधा फेंका जाए तो ये यहाँ पे नहीं जाएगी, कोरोलिस फोर्स की वजह से ये यहाँ पे जाएगा ये फुटबॉल जो है। बिल्कुल इसी तरीके से सदर हेमिस्फेयर के अंदर रेदर देन गोइंग डायरेक्टली इन टू द नेट, ये जो फुटबॉल है ये यहाँ पे जाएगा। तो ये जो है कोरोलिस फोर्स की वजह से विंड डायरेक्शन हो गया, विंड का डायरेक्शन भी कोरोलिस फोर्स की वजह से चेंज होता है, ओशन करंट का जो डायरेक्शन है वो भी कोरोलिस फोर्स की वजह से चेंज हो जाता है, और जो कोरोलिस फोर्स है वो इक्वेटर पे जीरो होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इक्वेटर पे कोरोलिस फोर्स जीरो होता है। ये मैंने एक डायग्राम दिया है कि किस तरीके से जो है कोरोलिस फोर्स की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज होता है। ये देखो, ये तो सिंपल मैंने एक डायग्राम डाला है कि यहाँ पे एक इक्विटोरियल करंट जा रही है और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट में इक्विटोरियल काउंटर करंट भी जाती है, और किस तरीके से इक्विटोरियल काउंटर करंट जो है ये यहाँ पे पूरा सर्कुलेशन बनाती है, और ये आपको दिख रही है बिल्कुल मुड़ी हुई सी डायरेक्शन में। तो मुड़ी हुई सी डायरेक्शन के अंदर जो है ये कोरोलिस फोर्स की वजह से होती है, और ये पूरा जो आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं गायर। हमने पढ़ा था गायर क्या होता है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गायर। ये देखो, इक्विटोरियल करंट की अगर हम बात करें तो इक्वेटर पे जो करंट, इक्वेटर वाली लाइन पे जो करंट निकलती है वो नॉर्थ इक्विटोरियल करंट और साउथ इक्विटोरियल करंट होती है। ऐसे समझो कि यहाँ से जो पानी है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और यहाँ पे लैंड का एरिया आ गया है, तो ये क्या करेगा, कुछ पानी जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है, कुछ नदन में चला जाता है और कुछ सदर्न हेमिस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरीके से जो इक्विटोरियल वाटर है, जो इक्विटोरियल करंट का वार्म वाटर है, क्योंकि ये एरिया ट्रॉपिकल में आता है इक्विटोरियल एरिया, तो ये वार्म वाटर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इक्विटोरियल काउंटर करंट के बारे में भी ध्यान रखना है। उसके बाद में हम एक बार जितनी भी करंट्स है उनको ग्लोबल मैप पे देख लेते हैं। पहले हम कोल्ड करंट्स देखते हैं। कोल्ड करंट्स जो है ये मोस्टली पोल्स, पोलर वाला जो एरिया है वहां से जनरेट होती है, जैसे हमारा आर्कटिक सर्कल हो गया, जैसे हमारा अंटार्कटिक सर्कल हो गया, उन सबसे हमारा कोल्ड करंट जनरेट होता है। तो कोल्ड करंट में कौन कौन सी आती है हमारी, ये हमने क्या देखा था, ग्रीनलैंड का आइलैंड देखा था। ग्रीनलैंड के आइलैंड से यहाँ पे निकलती हुई ईस्ट ग्रीनलैंड कोल्ड करंट, और यहाँ पे लेब्राडोर, यहाँ पे एक लेब्राडोर सी भी देखा था हमने, तो लेब्राडोर से होती हुई लेब्राडोर सी की करंट। और यहाँ पे हमने क्या, और यहाँ पे देखो आपको एक स्पेसिफिक फीचर दिखेगा, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट हो गया, इन सारे कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे कोल्ड करंट है। देखो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पे कोल्ड करंट, कैलिफोर्निया, अफ्रीका के नदन पार्ट पे, नदन अफ्रीका पे केंड्री करंट, अफ्रीका के सदर्न पार्ट पे बेंगुला करंट, यहाँ पे हमारी पेरू करंट, ये हमने डेजर्ट में भी पढ़ा था, और ऑस्ट्रेलिया पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ये सारी की सारी कोल्ड करंट्स हैं। ये एक स्पेसिफिक फीचर है, आपको ध्यान रखना है। ये क्यों है, ये डायरेक्शन की वजह से है कि जिस तरीके से जो सर्कुलेशन चलता है, सर्कुलेशन में जब ये वेस्टर्न, ये वेस्ट, इसकी जो कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न मार्जिन है ये कोल्ड करंट के इन्फ्लुएंस में आता है, और इसी की वजह से जो हमने डेजर्ट वाले एरिया में क्या पढ़ा था कि जो मोस्टली ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, वो सबके सब वेस्टर्न मार्जिन पे हैं, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे। तो कोल्ड करंट हमारी, और यहाँ पे है हमारी ओशियो करंट। तो हमारी कोल्ड करंट कौन कौन सी हो गई, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, लैब्राडोर करंट, कैलिफोर्निया करंट, पेरू करंट, बेंगुला करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट और ओयाशियो करंट। तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम अगर वार्म करंट की बात करें तो वार्म करंट आपको क्या दिखेगा कि ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड में आपको वार्म करंट दिखेगा। गल्फ स्ट्रीम हो गया, ब्राजील हो गया, यहाँ पे देखो अगुलास की करंट और मोजाम्बिक की करंट, एशिया के ईस्ट में कुरुशियो की करंट और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ये सारी की सारी वार्म करंट्स हैं। उसके अलावा हमारी इंपॉर्टेंट और करंट्स देखो, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल की तीन करंट है, नॉर्थ इक्विटोरियल करंट जो नदर हेमिस्फेयर में जाती है आमले की, सदर्न इक्विटोरियल करंट जो साउथ सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर टर्न हो जाती है, और एक हमारी इक्विटोरियल काउंटर करंट जो बिल्कुल इक्वेटर के ये वाला जो कॉन्टिनेंट का लैंड एरिया होता है इससे टकरा के वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है।
तो ये हमारी इक्वेटोरियल, ये हमारी ओशन करंट है। ये आपको जो दिख रहा है एरिया, ये पूरा इसको बोलते हैं गायर का एरिया, ये पूरा सर्कुलेशन होता है इसको। ये आप अगर समझोगे तो ऐसे होगा कि हम लोग इसका लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इसका। यहाँ पे देखो अटलांटिक ओशन के अंदर साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है ये कंपैरेटिवली वार्म करंट है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे जब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में आती है तो यहाँ पे ये टेम्परेचर की वजह से पूरी की पूरी वार्म करंट बन जाती है। इस वार्म करंट की वजह से, ये वार्म करंट के जब पानी गर्म है तो पानी गर्म होके क्या होगा, ऊपर वेपर बनाएगा और ये क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करने से इस वार्म करंट के आसपास का जो एरिया है यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, ये रेन रेन वाला एरिया होता है। तो एक तो ये वार्म करंट का फीचर होगा, और दूसरा अगर हम कोल्ड करंट की बात करें तो कोल्ड करंट का मतलब क्या है कि जो पानी है ये वाला एरिया, हम इसे ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर है वो डिसेंड हो रही है, यहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया है। हाई प्रेशर के एरिया की वजह से यहाँ पे पानी ठंडा है तो भाप बन के ऊपर नहीं उठेगा, भाप बन के ऊपर नहीं उठेगा तो क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है का सीधा सा मतलब है कि जो मॉइस्चर है वो हवा में नहीं है, तो उसकी वजह से ये वाला जो कोल्ड करंट के पास वाला एरिया होता है ये डेजर्टेड एरिया होता है मोस्टली। इसीलिए हमने पढ़ा था क्या कि जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स है सब ट्रॉपिकल में वो डेजर्टेड एरिया होता है। तो एक्चुअली मैं आपको बता रही थी कि पूरा सर्कुलेशन कैसे होता है। सर्कुलेशन कैसे होता है कि देखो ये इक्वेटोरियल करंट है, फिर ये जब सब ट्रॉपिकल रीजन में गई तो ये ब्राजील वाली वार्म करंट हो गई, और यहाँ से ये साउथ अटलांटिक की कोल्ड करंट है। ये कोल्ड करंट इस ब्राजील के साथ मिक्स होके ये बेंगोला करंट बनाती है जो कि कोल्ड करंट में बन जाती है, और ये कोल्ड करंट पूरी इक्वेटर तक पहुंचते पहुंचते वापस वार्म में हो जाती है। और ये इस तरीके से पूरा सारी जितनी भी करंट है उनका सर्कुलेशन चलता है। इस सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, इसको मैं आगे ये भी बताऊंगी कि कैसे ये हमारे लोकल वेदर और क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल ओशन करंट का सर्कुलेशन। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज ओशन कन्वेयर बेल्ट। ओशन कन्वेयर बेल्ट क्या होता है कि जितनी भी अर्थ की ओशन करंट्स हैं जो ग्लोबल सर्कुलेशन है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब कि सरफेस का करंट हो गया या फिर जो डीप ओशन का करंट हो गया वो सब इंटरलिंक्ड है। उस इंटरलिंकिंग को बोलते हैं ओशन कन्वेयर बेल्ट। तो इस ओशन कन्वेयर बेल्ट से क्या होता है कि ये जो इक्वेटर वाला रीजन है उसकी जो हीट है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कोल्ड एरिया है जो हमारा पोलर वाला पानी है, वहां से ठंडा पानी वो इक्वेटर में लेके आता है, और इक्वेटर का जो वार्म वाटर है वो पोलर वाले रीजन के पास लेके जाता है। तो इट हेल्प्स इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर करता है ये। देखो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे नीचे हमने क्या बताया था, नीचे कौन सा था हमारा, कोल्ड वाटर था। तो ये कोल्ड वाटर जो है ये अपवेलिंग होके ऊपर आता है, ऊपर ऐसे आता है कि जो वार्म वाटर है ये यहाँ से मूव कर जाता है ऊपर आगे की तरफ। जब मूव होता है तो यहाँ पे वैक्यूम बन जाता है, यहाँ पे स्पेस हो जाता है, और स्पेस को फिल करने के लिए ये नीचे वाला कोल्ड वाटर आता है। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अपवेलिंग में होती है तो ये वार्म वाटर को आगे पुश कर देता है। तो और ये आगे अगर ये ऊपर से नीचे जाता है तो इसे बोलते हैं डाउन वेलिंग, नीचे की तरफ आना। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अपवेलिंग एंड डाउन वेलिंग। ये हमारा अपवेलिंग एंड डाउन वेलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, ये वॉर्म करंट है रेड वाली, ये रेड वाली करंट है, ये जो है हमारी वॉर्म है, सेलिनिटी इसका लो है और डेंसिटी भी इसका लो है। ये यहाँ पे ग्रीनलैंड के पास नीचे डेनमार्क स्ट्रेट देखा था हमने, यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट के यहाँ पे ये डाउन वेल हो जाती है। डाउन वेल मतलब यहाँ पे ये नीचे चली गई है, अभी ये कोल्ड करंट हो गई है, अभी ये कोल्ड करंट कहीं पे आगे जाके अभी हम डायग्राम में देखेंगे जहाँ पे ये ऊपर अपलिफ्ट होती है, अपवेलिंग होती हुई वार्म करंट में आ जाती है। सो दिस इज हाउ, ये देखो ये वाला एरिया हमने देखा था कि ये किस तरीके से ये वार्म करंट यहाँ से डीप सी, ये सरफेस करंट है, ये अगर जो एरिया आपको रेड दिख रहा है ये पूरी की पूरी सरफेस करंट का एरिया है। तो ये सरफेस करंट यहाँ पे पूरा डीप सी ओशन करंट में बन जाती है, फिर ये पूरा देखो सर्कुलेशन में जा रही है। तो ये इस तरीके से दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये पूरा टेम्परेचर को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। सी दिस, ये वार्म शेलो करंट है हमारी ऊपर सरफेस की, और ये नीचे हमारी कोल्ड
कोल्ड एंड सॉल्टी डीप करंट है, ये इसको बोलते हैं ओशन कन्वेयर बेल्ट। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप अगर आंसर राइटिंग में भी लिखिए तो भी आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प होगा कि ओशन कन्वेयर बेल्ट क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि जो ओशन करंट से इसका इम्पैक्ट क्या होता है। एक तो सबसे पहला इम्पैक्ट हमने देख लिया कि जो हमारी वार्म करंट होती है ये क्या होती है, मॉइस्चर लेके आती है, और मॉइस्चर से क्या होता है हमारा रेनफॉल होता है, ठीक है। और दूसरा इसी मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी अप रहता है अगर वार्म करंट है तो। वेयर इज अगर हमारे यहाँ पे कोल्ड करंट है तो कोल्ड करंट से क्या है, जो एयर है वो डिसेंड होती है, तो यहाँ पे मॉइस्चर रिडन नहीं होता है और लो और नेग्लिजिबल रेनफॉल होता है, तो इसकी वजह से ये ड्राई और डेजर्टेड एरिया रहता है। और दूसरी बात क्या है कि कोल्ड करंट है तो इसके पास में आने वाली जो एयर होगी वो भी कूल होगी, तो इसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो लो रहता है, मतलब वो एरिया जनरली कूल एरिया रहता है, ठंडा एरिया रहता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, हम अपने मुंबई के या हमारे जो कोस्टल एरिया है उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो ह्यूमिडिटी इम्पैक्ट होती है, कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी हाई होती है, और तीसरा हमने क्या देखा था इम्पैक्ट में कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट करता है, दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट में हेल्प करता है, ठीक है। और बाद में हमने क्या देखा था कि जो हमारा एटमोस्फियरिक सर्कुलेशन है, एटमोस्फियरिक सर्कुलेशन में भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अलनीनो एंड लानीनो, अलनीनो एंड लानीनो का जो एग्जाम्पल है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ओशन करंट जो है वो हमारे पूरे क्लाइमेट को, मॉनसून को चेंज कर देती है। अलनीनो और लानीनो को कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो हम इसको किसी एक अलग से लेक्चर में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर इसमें क्या होता है कि जो पेरू की वार्म कूल करंट थी, जो हमने पेरुवियन करंट देखा था, पेरुवियन कोल्ड करंट, ये कंपैरेटिवली वार्म होना स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है कि जो पूरा सर्कुलेशन है एयर का वो रिवर्स हो जाता है, उसकी वजह से जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी रिवर्स हो जाता है। तो दिस वॉज अनदर इम्पैक्ट ऑफ ओशन करंट। और ओशन करंट का इम्पैक्ट क्या है, जो वेस्टर्न यूरोप का एरिया है वो टेम्परेट जोन में आता है, आता है टेम्परेट जोन में, हमने इसका मैप भी देखेंगे तो हमें वो किसमें दिखेगा, टेम्परेट जोन में, लेकिन फिर भी वहां पे जो है ह्यूमन सेटलमेंट बहुत है, वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड सोसाइटीज में आता है वो। तो ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि जो हमने गल्फ स्ट्रीम देखा था अभी, गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म है, और यही गल्फ स्ट्रीम आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है ये वार्म करंट है, इस वार्म करंट की वजह से ये जो है ये वेस्टर्न यूरोप के एरिया पे पहुंचती है, इस वार्म करंट की वजह से यहाँ पे मॉइस्चर रिडन एयर होती है, तो मॉइस्चर रिडन एयर की वजह से एक तो यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल होता है, बारिश बहुत अच्छी खासी होती है, और दूसरा ये वार्म करंट है तो इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली अप रहता है, टेम्परेचर अच्छा है, रेनफॉल अच्छी होती है, तो एग्रीकल्चर भी अच्छा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और ह्यूमन सेटलमेंट तो हो ही जाता है। तो दिस इज हाउ कि ओशन करंट जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी इम्पैक्ट करती है। तो ये हमने मेजर मेजर पोर्शन देख लिया, मेजर के हमने ऑलमोस्ट सारी ओशन करंट्स कवर कर लिए कि कितने टाइप की होती हैं, क्या फैक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ओशन कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, और इम्पैक्ट क्या है, ओशन करंट्स का इम्पैक्ट क्या है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर के साथ हमारा वर्ल्ड मैप तो खत्म होता है, अगले वाले लेक्चर से हम इंडिया का मैप स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया का मैप स्टार्ट करें उससे पहले आप पूरे वर्ल्ड मैप में आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं तो आप अपने नोट से या फिर आप पीपीटी से या स्लाइड से, जैसे भी, या वीडियो से, आप एक बार इन सारे लेक्चर्स को पहले रिवाइज करोगे और उसके बाद में आप इंडिया वाला जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करना। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।